the Dravya Prani. आपने जो है संसार को पार करने का जो विचार किया और विचार करने के पश्चात भगवान के सम्मुख जाकर के अष्टद्रव्य से पूजन किस प्रकार करना और अष्टद्रव्य से पूजन करने के बजाय उसका क्या फल होता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भगवान के समोदन में जाने पर सबसे पहले भगवान जो होते हैं मंगलकारी होते हैं, इसलिए चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली परतो धम्मो मंगलम। मंगल चार होते हैं, अनंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है और केवली के द्वारा कहा गया धर्म मंगल। मंगल का अर्थ ही होता है कि जो हमारे पापों को गला दे वो मंगल है और इसी लिए हम जो है भगवान की आराधना करने के लिए अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। उस अष्टद्रव्य के पूजन में सबसे पहले हम पूजन में भगवान का आह्वान करते हैं और आह्वान करने के पश्चात जल चढ़ाते हैं, जल इसलिए चढ़ाते हैं कि कोई कहे कि हम भगवान के सामने कुछ मांगते नहीं है। अरे भाई, हम भगवान के दास हैं और जब दास होंगे वहां पर प्रभु से नहीं मांगे तो संसार में आप किससे मांगेंगे। इसलिए हम कहते हैं जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए भगवान मैं आपके चरणों में जल चढ़ा। क्यों? क्योंकि गली का हर प्रत्येक कार्य में जल का उपयोग होता है। नहा के कपड़े को लेकर के बर्तन मांगने को लेकर भोजन बनाने से लेकर और गली की प्यास बुझाने से लेकर और भोजन हर चीज के लिए जल का उपयोग रहता है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में जो है संपूर्ण जल को अर्पित करता हूँ जिससे मेरा जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए, इसीलिए मैं आपके चरणों में जल को अर्पण करता हूँ। इसके पश्चात भगवान के चरणों में जो है चंदन से पूजन की जाती है, क्योंकि संसार में रहकर के हर समय संकलेशित रहता है, तप्तायमान रहता है। तो हे भगवान, मैं आपके चरणों में चंदन को अर्पण करता हूं। चंदन कौन सा? जो महासुगंधित चंदन, जिससे वहां सुगंधी आ रही है, ऐसा उत्कृष्ट चीज हे भगवान मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। इसलिए वहां बैठा है संसार का विनाश नाय चंदन मृतावती सहा। और घर में इसके पश्चात भी किसी प्रकार की कमी न होगी, कमी न होने के कारण दो हाथ दिए भगवान और दोनों हाथ भर के ही भगवान ने जो है मिट्टी भर करके पूरे जो है चावल जो अखंड चावल ऐसे पूरे मिट्टी भर कर भगवान आपके चरणों में अर्पण करता हूँ और कहता हूँ ये भगवान अक्षय पद प्राप्त है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी अनंत पद की प्राप्ति, क्योंकि अनंत पद है सिद्ध पद को प्राप्त कराने वाला है। और एक बार जो है सिद्ध पद को प्राप्त करने के पश्चात कभी भी उसको संसार में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि जहाँ कारण का अभाव हो जाता है वह कार्य नहीं होता है, इसलिए वहाँ समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में चावल यानी अक्षय पद के लिए यहाँ पर जो है चावल का अर्पण करता है और कहते हैं अक्षय पद प्राप्त है अक्षम निर्वाणी सहा। लेकिन ये जो भूख है
संसार में कितना पाप किया जा रहा है, सब खाने पीने के लिए किया जा रहा है, और जितना पाप है उसी के कारण जो है वो चीज दुखी है, और पाप को दूर करने के लिए झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, नाना प्रकार के पाप कर रहा है, और पाप करने के लिए महासंवेदित होता है, जो हिंसा झूठ चोरी सब चीज जो है पेट के लिए उसको करना पड़ता है, उसके लिए जो है मकान बनाना, नाना प्रकार के वाहन रखना, नाना प्रकार के आरंभ की चीजें रखना सब पेट के लिए करना पड़ता है। तो वो कहता है भगवान मेरे जो है अपने घर में जो अच्छे अच्छे पदार्थ है भगवान आपके चरणों में चढ़ाता हूँ, इसी बजाय सुधा रोग विनाशना है, यानी मेरी सुधाई नाश हो जाएगी, तो मुझे खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, मुझे कुछ प्यास ही नहीं है, तो मेरी इच्छाएं खत्म हो गई, अपना इच्छाएं समाप्त हो गई, और किसी प्रकार का पाप नहीं होता है, और जो नाना प्रकार के नजे से चलाता है उसके यहाँ कभी गरीबी नहीं आती है, और गरीबी नहीं होने से नाना प्रकार के भोगों को की सामग्री प्राप्त होती है, और जो किसी कारणवश ये भाव में वो पाप किया है वो पाप के नष्ट हो जाता है, इसीलिए जो है नाना प्रकार के व्यंजन पदार्थ भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, और जो इस प्रकार बराबर निजित रूप से चढ़ाता रहेगा निश्चित वो जो है दुखी का जो है पाप नाश हो जाएगा। इसके पश्चात जो है मेरे जी के बाद उसको जो है अंधकार में डूबा हुआ है, उसको दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं पड़ता, विवेक जागरण नहीं होता, तो वहां पर भगवान के चरणों में दीप जला करके भगवान की पूजन करता है कि हे भगवान मुझे और कुछ नहीं सब पाप जो है किसके लिए कर रहा है, बेटा के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो मोटी अंधकार जो है वो दूर करने के लिए भगवान मैं आपके चरणों में दीप से पूजन करता हूँ, और वो जो नाना प्रकार के दीप जला करके पूजन करता है और उसके मोहन का उसका नाश हो जाता है, और जिसका भोग नाश हो गया समझ लो उसका संसार नाश हो गया, क्योंकि संसार को बढ़ाने वाला मोह ही है और वो मोह दूर हो जाता है। और दीप के बाद जो है धूप अग्नि में धूप किया है, क्यों, क्योंकि जब तक जो पूर्व में कर्म है वो कर्म नहीं होंगे तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो जो है नाना प्रकार से सुगंधित धूपों के द्वारा वह छेदन करता है और कहता है अंत कर्म जानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम भूत और अंतराय आठों कर्म को दंड करने के लिए वह धूप चला करके और अपनी पूजन करता है। और धूप के बाद क्या रहता है, नाना प्रकार के जो है फल उनसे मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, और उसके लिए जो है वो बहुत सुंदर सुंदर फलों की थाली भर भर के भगवान के चरणों में अर्पण करता है और कहता है मोक्ष पद प्राप्त है परम निर्माण से कहा, और इतना होने के पश्चात भी उसको संतोष नहीं होता है, तो वो जो है जल से लेकर जितने सब समान है सबको एक साथ इकट्ठा करके और भगवान के चरणों में कहता है अनर्थ पद प्राप्त है, यानी मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, ऐसा पद यानी शुद्ध पद की प्राप्ति जो है वो अन्न द्रव की पूजन से होती है, वो चढ़ा करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है, ये जो है अन्न द्रव की पूजन का महत्ता है। Right.